नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। कुछ समय पहले रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की ये तस्वीर सबके सामने आई थी। इस वायरल तस्वीर में रणवीर कपूर अपने फोन में बिजी दिखाई दे रहे थे, वहीं आलिया भट्ट काफी उदास नजर आ रही थी। जिसके बाद इस बात की चर्चाएं होने लगी, क्या रणवीर कपूर आलिया को वक्त नहीं देते, क्या रणवीर कपूर आलिया को इग्नोर करते हैं। बहरहाल इस पर अब आलिया ने चुप्पी तोड़ी है और आलिया ने बताई है अपनी इस फोटो के पीछे की असली वजह। आखिर क्या है वो वजह, आप भी सुनिए। कलंक ने ब्रह्मास्त्र, नो ओके, कैन आई से समथिंग गाइस, दैट्स माय फेस। जब मैं रेस्ट करती हूँ ना तो मेरा फेस ऐसा होता है। That's my face, my resting face. मैं बिल्कुल upset नहीं थी, I'm very happy and I'm a very happy person. But that's my resting face, sadly. मैं क्या, लोग मुझे नानी बुलाते हैं इस वजह से कि आप हमेशा नानी लगती हूँ। I always look frown, like I'm always frowning, but I wasn't upset. आलिया का कहना है कि जब वो रिलैक्स होती है तो वो ऐसे ही बैठती है। दरअसल आपको बता दें कि आलिया भट्ट की इस तस्वीर पर फैंस ने कई सवाल उठाए थे। फैंस का सवाल ये था कि क्या रणवीर आलिया को इग्नोर कर रहे हैं। बहरहाल आलिया ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब वो रिलैक्स होती है तो वो ऐसे ही बैठती है, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। एक बार फिर सुनिए आलिया भट्ट ने क्या कहा। कलंक ने ब्रह्मास्त्र, नो ओके, कैन आई से समथिंग गाइस, दैट्स माय फेस। जब मैं रेस्ट करती हूँ ना तो मेरा फेस ऐसा होता है। दैट्स माय फेस, माय रेस्टिंग फेस। मैं बिल्कुल अपसेट नहीं थी, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, बट दैट्स माय रेस्टिंग फेस, सैडली। मैं क्या, लोग मुझे नानी बुलाते हैं इस वजह से कि आप हमेशा नानी लगती हूँ। आई ऑलवेज लुक फ्राउन, लाइक आई एम ऑलवेज फ्राउनिंग, बट आई वाजंट अपसेट। बात अगर आलिया की फिल्मों की करें तो आलिया इन दिनों कलंक और ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में बिजी है। बीते दिनों आलिया भट्ट ने कलंक और ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के कई सीक्वेंस पूरे किए हैं। इन फिल्मों पर क्या कहा आलिया भट्ट ने, जरा आप भी सुनिए। नहीं, मैं नहीं बता सकती, मैं बहुत बताऊंगी कलंक के बारे में कि 18 अप्रैल को रिलीज हो रही है अगले साल 2019। गली बॉय इज रिलीजिंग 14 फेब। गली बॉय इज बीन सिलेक्टेड एट बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। ये ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रही है क्रिसमस को। क्या साल होने वाला है अगले साल। जाहिर सी बात है 2019 पूरा का पूरा आलिया के नाम है। उनकी कई फिल्में 2019 में रिलीज होने वाली है। बात अगर कलंक की करें तो कलंक में उनके साथ वरुण धवन दिखाई देंगे, वहीं ब्रह्मास्त्र में वो रणबीर कपूर के साथ नजर आएगी। बहरहाल हम तो आलिया को यही कहेंगे कि इस फोटो के पीछे उन्होंने जो भी सच्चाई बताई है वो पूरी तरीके से सही होगी। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।